26 क्वेश्चन जो है ना, इट इज अ, आई नॉट थिंक दिस इज दिस एग्जैक्टली क्वेश्चन कम, दिस इज द वे हाउ दे विल आस्क. दिस कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स. 2 to 3 क्वेश्चन, 6 से 8 मार्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आएंगे. इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू सी इट इज अ मिक्स ऑफ 2 to 3 चैप्टर्स. एक्सपेंशन पॉलिसी, फिस्कल, इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर, हाई इंटरेस्ट, ऑल दीज आर डिफरेंट चैप्टर्स. डोंट एक्सपेक्ट कि इसी चैप्टर से आएगा. इकोनॉमी इज नॉट दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट. पॉलिटी आ सकता है प्रेसिडेंट से या फिर इमरजेंसी से, बट इकोनॉमी इज अ मिक्स. नाउ सी, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जहां पे रिलेटेड टू इन्फ्लेशन डिमांड साइड फैक्टर्स. जब डिमांड बढ़ता है प्राइस बढ़ता है या नहीं, ठीक है? जब सप्लाई कम हो जाता है प्राइस बढ़ता है या नहीं, दैट इज सप्लाई साइड. डिमांड है ना, डिमांड. पठान का डिमांड बहुत था, यस और नो? प्राइस बढ़ गया. इधर साई राजा थिएटर, नॉर्मल पिक्चर 100 रुपीज, पठान 175. सीट वैसा का वैसा फटा हुआ, ठीक है? साइड में ये भी नहीं है, ये नहीं है, आराम से दो, मतलब एक दूसरे को जानते नहीं हो ऐसे बैठ के देखोगे पिक्चर. ये नहीं है ना बीच में कुछ. हाँ लगेगा, ताली मारोगे ना, ये टच होगा, अरे भाई तू भी है मैं भी हूँ सर के फैन, चलो. ठीक है, तो डिमांड बहुत बड़ा है. नाउ क्वेश्चन इज, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुआ, रीजन क्या है? इनमें से कौन सा रीजन है फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन? एक एक करके कॉन्सेप्ट समझ लो. सी आई एम रिक्वेस्टिंग यू एंड फॉर ओनली फॉर इकोनॉमी, डोंट डू रोट लर्निंग, काम नहीं आएगा. थोड़ा एनवायरमेंट में कर सकते हो, थोड़ा पॉलिटी में कर सकते हो, हिस्ट्री में तो पूरा, लेकिन इको में रोट लर्निंग विल नॉट वर्क. रोट लर्निंग मतलब पता है ना, ROTE, रट्टा मारना, जैसे करके बचपन में करते थे, नहीं होगा. सी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, बहुत गवर्नमेंट हो या RBI का हो, एक्सपेंशनरी मीन्स पैसा पब्लिक के पास ज्यादा आ रहा है. ज्यादा जब आएगा हमारे पास, जब पैसा आ जाएगा हम क्या करेंगे? खर्चा करेंगे. पहले विल गो एंड स्पेंड फर्स्ट. तो हमारे पास पैसा आ गया, अभी सडन घर गए 1 लाख, क्या करोगे? UPSC पहले छोड़ोगे, फर्स्ट विल गो टू गोवा, विल स्पेंड, विल मूवी, लोगों को पार्टी दोगे. यस, दैट इज नॉर्मल थिंग, नॉर्मल टेंडेंसी, अनलेस एंड यू आर वेरी माइजर. कुछ कुछ लोग होते हैं 1 लाख मिल गया, चलो पहले FD फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है? तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी लीड्स टू डिमांड होगा, खर्चा बढ़ेगा. नाउ सी हाउ डिमांड पुल, यू गॉट द मनी, नाउ यू विल बाय अ प्रोडक्ट, व्हेन, तो इस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा प्राइस भी बढ़ जाता है इवेंचुअली, करेक्ट? फिस्कल स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस मीन्स व्हाट? इट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. फिस्कल वर्ड ऑलवेज फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. फिस्कल स्टिमुलस मीन्स सरकार. हैव यू हर्ड 20,000 करोड़ पैकेज, 5,000 करोड़ पैकेज, रिफॉर्म्स? हाँ, दैट इज फिस्कल स्टिमुलस. पैसा फिर आ रहा है बाहर. पैसा जब बाहर आ रहा है, द मनी, व्हेन द मनी इज कमिंग आउटसाइड टू द पब्लिक, मीन्स द पीपल, वंस दे गेट मनी दे विल स्टार्ट स्पेंडिंग. व्हेन दे स्टार्ट स्पेंडिंग द डिमांड विल इंक्रीज फॉर दैट प्रोडक्ट. ओवरऑल डिमांड बढ़ता है, करेक्ट? डिमांड बढ़ेगा, ठीक है? अंडरस्टूड टिल नाउ? थर्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड वेजेस, इंपॉर्टेंट. इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स क्वेश्चन दिस ईयर केम इन प्रीलिम्स. नाउ इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, वेजेस मतलब क्या? सैलरी काइंड ऑफ, मान लो सैलरी. नाउ एवरीवन गेट्स अ सैलरी, आई गेट अ सैलरी, एवरीवन गेट्स अ सैलरी. नाउ सैलरी इज, आवर सैलरी कनेक्टेड टू इन्फ्लेशन? मतलब आज मुझे सैलरी मिल रहा है, टुमोरो इन्फ्लेशन हो गया, क्या मेरा सैलरी बढ़ जाएगा? यूजुअली नहीं होता है, यूजुअली नहीं होता है. बट नाउ इट इज सेइंग व्हेन योर वेजेस आर इंडेक्स्ड विद इन्फ्लेशन, क्या वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन करेगा? इज इट ए रीजन? सोच के बताओ, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, सॉरी बताओ, हाउ? कॉन्स्टेंट. हाउ? सी एग्जाम्पल, यू आर गेटिंग सैलरी रुपीज 100,
inflation increased to 5%. So your salary will increase to 105. So the net effect is zero. But sir, if I was otherwise placed in that 100 rupee situation, I would not spend as much as I would with the 105. ये सब वो तुम्हारा है ना, वो तुम्हारा personal है. It is assumed. Economy is always assumptions. That is the rational thing, you know, sir. No, no, this is rational. No, what I am doing was rational. I'll spend more when I get 105 a month. You will spend more, but the inflation has also increased, na? You will spend the same thing. Inflation bhi badh gaya na? Essentially, I'm spending the same. You are spending the same because inflation also increased. Now the inflation is not ki sasta hai. Inflation bhi bada, tumhara wage bhi bada. Aaj itna hai, inflation bada. Wage bhi to bada hai. Inflation bada hai, wage bhi to bada hai. To same hi hai. The net change is same, zero. So it will not have effect because it is inflation indexed. It will not have effect on demand pull. So 3 is wrong. 3 cancel, 3 cancel, 3 cancel. Answer mil gaya. Simple one concept se answer mil gaya. But we'll cover it. Ab higher purchasing power. Obviously. Same thing, higher purchasing power. परचेसिंग पावर कैसे होगा? पैसे तुम्हारे पास आएगा तो परचेसिंग पावर अगर बढ़ गया, यू विल आज फॉर एग्जांपल, आज तुम्हारा परचेसिंग पावर एक फॉर एक्स रुपीज़ है सिंगल थिएटर में देखने के लिए. कल पैसा बढ़ गया, आईनॉक्स में देखोगे, आईमैक्स में देखोगे. आईमैक्स का डिमांड भी तो है, प्राइस क्यों बढ़ा है, डिमांड भी तो है. हाई क्लास लोग देखते हैं वहाँ पे. हम कहाँ पे देखते हैं? सुदर्शन. हम सुदर्शन ऑडियंस. कुछ लोग जाते हैं आईमैक्स में देखते हैं आराम से राजा की तरह. पिक्चर तो सेम है ना, यहाँ पे भी रवि तेजा है, वहाँ पे भी रवि तेजा है. वहाँ पे क्या रवि तेजा ऋतिक बन जाता है क्या? ओके, तो 4 इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, बताओ, यू टेल मी. हाँ, क्यों? अब इंटरेस्ट रेट, सपोज बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, व्हेन बैंक्स इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट विल यू टेक लोन? यस और नो? You will not take loan. When you will not take loan, money will not come back to you. When money will not come, you will not spend. When you will not spend, there will be no demand. When there will be no demand, there will be no demand inflation. Baat khatam. Theek hai? Clear? Okay. So 1, 2 and 4 are correct. Samajh mein aaya sabko? Next question.